Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इंडिया पॉकेट। सो आज का जो सेशन है वो है हमारा लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। उसमें हम ये देखेंगे इन क्वेश्चंस में, इन टॉपिक के क्वेश्चंस में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो हमारा इसमें जो पार्ट आता है वो वर्ड फॉर्मेशन का, और जो सेकेंड पार्ट आता है वो होता है हमारा डिक्शनरी का। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, शेयर करना है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। विजेंद्र, कृष्णा मिश्रा, सुश्री सोनालिका, धीरू रावत, सुमन कुमार, श्यान मिश्रा, देवाशीष प्रजापति, गुड मॉर्निंग, पिंटू कुमार, श्यान मिश्रा, रिपुल, शशि, सूरज बालाजी, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो भाई आ चुके हैं आप सारे के सारे, देबू गोस्वामी। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी दिवाली कैसी रही। ठीक है, क्योंकि दिवाली गई है तो दिवाली कैसे मनाई आपने। नवीन राव, सौरभ बंसल, सुजीत, ठीक है, पिंटू कुमार, कृष्णा मिश्रा, सुधांशु, साउंड कम है, पंडित जी, किस्मत मेहनत करने से बदलती है, घर बैठकर सोचने से नहीं। तो बहुत बढ़िया बात कह दी आपने कि घर पे बैठने से कुछ भी चीज नहीं बदलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी किसी ना किसी के लिए। ठीक है, यदि आपको जिंदगी में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कोई थाली में परोस के आपको कुछ नहीं देके जाएगा। ठीक है, साउंड अब सही होगी, अब सही होगी बिल्कुल साउंड। हो सकता है मेरी गले की आवाज चली गई हो, है ना। साउंड लो यार, साउंड अब ठीक होगी। देखो नेक्स्ट क्लास कब है भैया, आज की क्लास तो स्टार्ट कर लो, नेक्स्ट क्लास का तो पता चल ही जाएगा। आगे मतलब एक कदम आगे बढ़ना है गौरव को, है ना गौरव शर्मा। नेक्स्ट क्लास कब है, कल भी 9 बजे होगी, एंड देन 1 नवम्बर से जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी 11:45 पर। सुबह 9 बजे क्लास नहीं होगी, होगी हमारी किस कब, 11:45 पर। ठीक है, दिवाली अच्छी गई, एंजॉय किया, क्रैकर्स तो नहीं जलाए। निरुण यादव, बी एस चौहान, सुधांशु, रेवन्नप्पा, ब्रिजमोहन यादव, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। देवाशीष, अपने डिप्रेशन को जीत लिया, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है, साउंड ओके। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन दिखा दिया जाए टेक्निकल टीम, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, स्पाइन, स्पाइनल, स्पिनर, स्पिनट एंड स्पिंडल, आपको अरेंज करने हैं जैसे वो डिक्शनरी में अरेंज होते हैं। तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फ्री के नंबर मिलते हैं। ठीक है, विपुल यादव, दीपा कुमार, देवू गोस्वामी मैम, अच्छी रही दिवाली, पूजा की, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करे, घर की डेकोरेट किया, खूब सारी खाई, अच्छा खूब सारी मिठाई खाई, चलो बहुत अच्छी बात है। देवू, निलोफर, गुड मॉर्निंग, ओके कोई दिक्कत नहीं निलोफर। पंकज गुप्ता, गुड मॉर्निंग, राजू गौतम, सोहनलाल, ठीक है, प्रिंस गुप्ता कह रहे हैं सेकंड, मिस्टर अर्जुन ने आंसर दिया ए, तो चेक कर लेते हैं सेकंड है या ए है निधि। ठीक है निधि, आंसर दीजिए फटाफट से। देखिए पहले क्या आएगा, पहले तो एस सी आएगा, एस के बाद जो हमारा सेकेंड लेटर है वो क्या है, पी का है, तो पी ही आएगा। P के बाद सब में जो वर्ड्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं हमारे, आई, तो आई ही आएगा। ठीक है, देन उसके बाद एन है, एन 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 सब में है, तो फिर एन आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले ई आएगा या ए आएगा, या एन आएगा या डी आएगा, ये बताओ, पहले ई आएगा, ए आएगा, एन आएगा, डी आएगा, क्या आएगा। सबसे पहले आएगा हमारा क्या, ए आएगा। एस पी आई एन के बाद आएगा हमारा क्या, ए आएगा, तो ए लिख दिया हमने। ए के बाद ये हमारा पूरा बन गया स्पाइनल। ठीक है, देन उसके बाद एस पी आई एन तक बिल्कुल सेम है, ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा। ए के बाद क्या आएगा हमारा, ई आएगा, एन आएगा या डी आएगा, आएगा हमारा डी। डी आएगा तो क्या आएगा हमारा, तो बी और ई, तो ये हमारा किस में है, ये किस ऑप्शन में है, ये जो ऑप्शन है वो हमारा ए की ऑप्शन है बच्चा, वो होगा हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, पहले आएगा बी फिर आएगा ई, और जो कि सिर्फ ए की ऑप्शन में है वो हमारा ऑप्शन नंबर वन। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना वीनू इसको, और देन आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अरेंज करना है तो फटाफट से बताइए. कुलदीप सिंह, अनिशा अप्पू, और जब भी हमारा 1 तारीख को बैच स्टार्ट होगा 1 नवंबर को 11:45 पे, तो एक नए तरीके से एक नई स्ट्रेटेजी के साथ हम अपनी पढ़ाई करेंगे. ठीक है, क्लियर है. वो राजीव पांडे, बेस्ट वाला मॉर्निंग, बेस्ट वाला मॉर्निंग सबके लिए हो, आपके लिए भी हो. ठीक है, 1 by ऑप्शन इजी होगा. बिल्कुल देवाशीष, ऑप्शन के साथ इजी होगा. ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा. देखिए बी तो सब में आ रहा है, यू भी सब में आ रहा है, टी भी सब में आ रहा है. बी यू टी, बी यू टी, ये सब में आ रहा है. अब आपको क्या चाहिए, एक में आ रहा है टी, एक में आ रहा है एल, एक में आ रहा है सी. बताओ भी, पहले टी आएगा, एल आएगा या सी आएगा? सबसे पहले ये बताओ, पहले टी आएगा, एल आएगा, सी. पहला आएगा हमारा सी, तो आ गया हमारा सी. ठीक है, बी यू टी. अब बताओ, सी तो आ गया, टी और एल बचा. अब टी में और एल आएगा तो कौन सा आएगा? हमारा आएगा कौन सा? एल आएगा, तो एल लिख दिया. तो ये आ गया हमारा सी, ये आ गया हमारा बी. तो इसका मतलब क्या, ये किसमें है? ये सिर्फ हमारे ए के ऑप्शन में है, वो की है हमारा कौन सा? सी ऑप्शन. तो बच्चा जो आंसर होगा, कृष्णा मिश्रा, अमित रे, अभय सिंह, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन. ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है ये, इसलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे. अब जल्दी जल्दी आंसर सॉल्व करेंगे. ठीक है, जिसमें आपको डाउट होगा उसमें रेज कर देना अपना हैंड कि मैम क्वेश्चन बता दो, आंसर बता दो. ठीक है, और मुझे नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी गलती होगी. ठीक है, बस थोड़ा सा फोकस के साथ क्वेश्चन को देखना है और आपको आंसर मिल जाएगा. गलती मत करना. क्या करते हो, जल्दी जल्दी में ना आंसर गलत कर दिया, तो वो नहीं करना. ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा. कभी कभार ऑप्शन इतने पास आते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि भी क्या होगा आंसर. जैसे भाई आपको पूरा ही चेक करना पड़ जाता है, कभी कभार होता है ऐसा. ठीक है, तो बताइए भाई क्या होगा. देखिए सी आर यू, सी आर यू तक बिल्कुल सेम है, नो चेंज. चेंज के बाद देखो डी का ऑप्शन सब में आ रहा है, डी ऑप्शन सब में आ रहा है, तो पहले डी ही आ गया. देन ए और ई में थोड़ी सी लड़ाई है, ए और ई में लड़ाई है, तो क्या है, सी आर यू, सी आर यू, सी आर यू के बाद पहले एम आएगा या आई आएगा? पहला आएगा हमारा आई, आई आएगा, तो यहाँ पे आई लिख दो, ये आ गया भाई. अब सी और ई में लड़ाई हो रही है, पहले सी और ई में देखो भाई, पहले क्या आएगा, एस आएगा या एम आएगा? पहले आएगा हमारा बच्चा क्या, एम आएगा. क्या आएगा, एम आएगा, तो भाई आगे हमारा ई ऑप्शन. अब किस में हो रही है, बी और सी में, किस में हो रही है, बी और सी में. डी ए ई के बाद आ रही है हमारी लड़ाई बी और सी में, बी और सी को चेक कर लो. सी आर यू पी आएगा या सी आर यू एस आएगा, एस या पी? पहला आएगा हमारा पी, सी आर यू पी पी ई आर, तो ये आ गया हमारा बी. देन उसके बाद जो बचेगा वो क्या आएगा हमारा, सी. तो इसका मतलब जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा अंकुर राज, वो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन. बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आएगा. आपने क्या किया, सी आर यू एस ए डी ई, एस को यहाँ पे ले लिया. एस क्यों आएगा पहले, एस क्यों आएगा पहले, पहले तो पी आएगा, फिर देन उसके बाद एस आएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा कृष्णा मिश्रा इसका बी ऑप्शन. ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा. सी आंसर मत दीजिए पिंटू कुमार. अरे पिंटू सबके कमेंट्स दिखते हैं, ऐसे क्यों बोलते हो, मेरे कमेंट्स नहीं दिखते हैं. शो बहुत अच्छी बात है देवाशीष, कुछ आपसे सीखने को मिलेगा और आपके जरिए हम स्टूडेंट्स को सिखा पाएंगे. ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इतने आसान क्वेश्चन को आप जब गलत कर रहे हो, आंसर दे रहे हो सी ऑप्शन बी ऑप्शन, तो वैसे कैसे बात बन जाएगी भाई, ये तो बेवकूफी वाली बात होगी, है ना बच्चों. ऐसे नहीं करना, आपको गलत आंसर नहीं देने हैं. गलत आंसर दोगे तो एग्जाम में इतने इतने आसान क्वेश्चंस के नंबर कटवा लोगे. चलिए बताइए, हो भी हॉलीडे हो सोलो हो बल. देखो भाई ऑप्शन से देखो, पहले सी आएगा, सी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, लिख दिया सी. सी के बाद ए और ई चाहिए, ए और ई को चेक कर लो भाई. ए कहाँ पे, हो भी है ओबल है. देखो एच ओ बी बी तक दोनों में बिल्कुल सेम है, एच ओ बी बी तक दोनों में सेम है. पहले वाई आएगा या एल आएगा ये बताओ भाई.
पहले क्या आएगा, वाई आएगा या एल आएगा? मिस्टर अर्जुन कह रहे हैं फोर, तो देखिए पहले आएगा हमारा क्या, एल आएगा। यदि पहले मेरा एल आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई। और जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन से भी डी ऑप्शन में, तो बच्चा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, देवाशी, बी एस चौहान, अंकुर राज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सी ए ए बी डी। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट का आंसर बताइए, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? देखो जो बहस चल रही है वो किस में चल रही है, बी और डी में। यदि बी और डी में चल रही है तो पहले चेक कर लो भाई, एम आई एन आई तक बिल्कुल सेम है, एम आई एन आई तक बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्लियर है, एम आई एन आई तक बिल्कुल सेम है। तो एम एन आई के बाद क्या है, एम है और ए है, पहले एम आता है, ए ऑब्वियस है कि ए ही आएगा, ए आएगा तो क्या आएगा, डी पहले आएगा। यदि डी पहले आएगा तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, दो ऑप्शन कट गए, बचे कौन से, सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड को चेक कर लेते हैं, सी या बी को चेक कर लो, सी या बी में देखो, सी या बी में यदि मैं बात करूं तो एम आई एन, ठीक है, क्या है हमारा एम आई एन, ठीक है, एम आई एन के बाद और एम आई एन ओ के बाद बताओ क्या आएगा, सी और बी में, पहला आएगा हमारा आई और आएगा हमारा फिर एम ए आई एल एस, तो इसका मतलब क्या आ गया, बी ऑप्शन। तो डी और बी वाला हमारा क्या होगा बच्चा, बिल्कुल सही होगा हमारा अंकुर देवाशी, सी ऑप्शन क्या होगा बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा डी बी ए, क्योंकि बच्चा सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एम आई एन के बाद क्या आ गया, ओ आ गया, ओ नहीं आएगा, पहले आएगा हमारा आई, देन उसके बाद आएगा हमारा ओ। ठीक है, तो आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा कौन सा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपुल कुमार, अजीत, देवाशी, मिस्टर अर्जुन, सौरभ एंड पंकज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रा जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, पूजा सिंह, सूरज कुमार, पंडित जी, गजेंद्र नहीं आया आज, देवू गोस्वामी, निधि, नीलोफर, नूर बानो भी नहीं आई है, सलोनी भी नहीं, इनकी तो अभी तक दिवाली नहीं निपटी है शायद, है ना, अभी तक वो दिवाली मना रहे हैं। रमेश मीना की भी दिवाली नहीं निपटी है, लगता है आज वो नाना के घर गए, नानी के घर गए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए बी ऑप्शन सब में आ रहे हैं, बी ऑप्शन सब में आ रहा है तो बी को लिख लो। ठीक है, बी ऑप्शन यदि सब में आ रहा है तो हमने बी को लिख लिया है। अब देखिए डी ई सी ए में कौन सा आएगा, देखिए ई एन, ई एन क्या रहा है, आ रहा है हमारा ई एन आएगा पहले, ई वी तो आएगा नहीं, एवरी में तो एवरी तो आएगा नहीं, ई एन आएगा, ई एन के बाद हमारा टी आएगा या एस आएगा, क्या आएगा हमारा, एस आएगा, इंश्योर। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये हमारा आ गया बी और ये आ गया हमारा कौन सा, डी। तो बी और डी सिर्फ हमारे एक ऑप्शन में आ रहा है, वो है बच्चा हमारा बी एच चौहान, ओनली वन। सीजल की क्लास कब से होगी बच्चा, शायद आज से सीजल की क्लास होने लग जाए, आपको पता चल जाएगा सीजल की क्लास के लिए। और रीजनिंग की क्लास शायद रात को होगी, 10 से 10:30 सर लेंगे आपकी क्लास रीजनिंग की सीजल में। और यदि मुझे लेनी है तो वो मैं आपकी सैटरडे को क्लास लगाएंगे हम आपकी स्पेशल, ठीक है, सीजीएल की क्लास पे जब मैं पढ़ाऊंगी तो वो सैटरडे को 2 घंटे की क्लास लगेगी, सुबह 10 से 12। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है आपको सीजीएल की क्लास में तो वो अभी भी पूछ लो। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, योगेंद्र वीनू देवू गोस्वामी। कोई भी डाउट है आपका तो आप पूछ लो, रीजनिंग की क्लास जो होगी वो सीजीएल का बैच आज से शायद स्टार्ट हो जाएगा आपका इवनिंग से, और जो भी मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगी आपको सीजीएल के लिए वो मैं सैटरडे को पढ़ाऊंगी सिर्फ 10 से 12। ठीक है, यही है रोमेश मीना, दिखे नहीं मेरे को, ठीक है अब दिख रहा हूं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नवी पंडित जी, कृष्णा मिश्रा, राम खिलाड़ी, हैप्पी दिवाली बच्चा, पूजा जी हैप्पी दिवाली, अच्छा जी पूजा जी को हैप्पी दिवाली कर रहे, मैडम तो दिखती नहीं इन बच्चों को। शैलेश यादव, एसएससी सीजीएल 2019 को टारगेट करते हुए हमारा जो बेस्ट स्टार्ट होगा वो शायद आज हो जाएगा, और बाकी आपको टीम जरूर बता देगी कि कब से होगा। ठीक है, और बिल्कुल फोकस के साथ आप तैयारी करने लग जाओ। देवाशी मेरे से रीजनिंग पढ़नी है तो बच्चे रीजनिंग में सीजीएल की 10 से 12 सैटरडे को पढ़ाऊंगे, शनिवार को 10 से 12। ठीक है, सौरभ बंसल पढ़ लो, नलायक,
चलो भाई इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर, अच्छा ये बता दो, सेकंड में मान लो स्नेहा शर्मा गुड मॉर्निंग काफी लेट हो, मान लो इसका आंसर सेकंड है, चेक करने की जरूरत तो नहीं है, जिसको इस क्वेश्चन को चेक कराना है वो रेज योर हैंड, बताइए कि मैम इसको चेक कीजिए। राकेश कुमार जीना सेकंड आंसर मान लिया, क्योंकि सबके सेकंड आंसर आ रहे हैं, तो सेकंड आंसर विवेक कुमार बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सेकंड आंसर, ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर आपसे बात कर लेंगे बाद में। सूरज कुमार ले लिया नाम, बबीता चौधरी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पिलो ये वाला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, इसका आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा बच्चे? पिलो, पिलग्रिम, पिगमेंट, पाइल एंड पाइक, चेक करें। चलो भाई चेक कर लेते हैं इसको, देखो सी ऑप्शन सब में आ रहा है तो सी तो ऐसे लिख दो, पी आई के ई, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, ई और बी में बहस चल रही है अभी, ई और बी को चेक कर लो, ई और बी को चेक करोगे तो देखो क्या है हमारा, पी आई के ई और पी आई एल, पहले पी आई के ई आएगा या पी आई एल आएगा? पहले आएगा बच्चा हमारा पी आई के ई, ठीक है, पहले क्या आएगा हमारा पी आई के ई आएगा, देन उसके बाद सी और ई हो गया, देन बी और डी को चेक करो, बी और डी को यदि आप चेक करोगे तो पी आई एल तो बिल्कुल दोनों में है, जी आएगा या ई आएगा, जी आएगा या ई आएगा, पहले आएगा हमारा ई, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ई, तो इसका मतलब क्या आ गया, जिसमें हमारा सी ई डी जो ऑप्शन होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सूरज कुमार बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा। थर्ड आंसर क्यों दे रहे हो, सी ई बी क्यों होगा, पहले ये बताओ, पहले ई आएगा पी आई एल के बाद या जी आएगा, पहले ई आएगा ना, लेटर्स ही हमारे अल्फाबेटिक जो लेटर्स होते हैं, पहले ई आता है फिर एफ आता है फिर जी आता है, तो पहले तो ई आएगा, तो डी ऑप्शन डी नहीं होगा, तो जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है वो है हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। अंकुराज कृष्ण मिश्र, देशराज, निधि कुमारी, पवन, सुष्मिता, इंजीनियर राजा पटेल, अभय, अंकुराज, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, ठीक है। और भाई जो टेक्निकल अड्डा पे क्लास चलती है, एसएससी टेक्निकल अड्डा पे, ठीक है, उसका भी हम टाइमिंग बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिपुल निलोफर शेख, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कफ, काउंसिल, कोच, काउंट एंड काउंसिल, बताइए इसका आंसर क्या होगा, लक्ष्मी पांडे, विनोद, श्यान मिश्रा, इसका आंसर बताइए, इसको मैं चेक नहीं करूंगी, जो आपने कह दिया वही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए बताइए, हेलो 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 हेलो, इंजीनियर राजा पटेल, चेक करना पड़ेगा क्या आंसर नहीं आ रहे हैं। मनोज कुमार, नरेश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। चलिए पहले हम चलिए चेक करें सी और ई में, तो सी और ई में यदि पहले क्या आएगा, काउच, सी ओ यू के बाद जी आएगा या सी आएगा, पहले आएगा सी, तुम्हारा सी बचा, सी के बाद हम चेक कर लेते हैं बी और ए को, बी और ए को यदि मैं चेक करूं तो सी यू एन आएगा या जी आएगा, जी आएगा, तो क्या आ गया, सी के बाद आ गया ए, देन उसके बाद हम चेक कर लेते हैं किसको, डी और बी को, यदि मैं डी और बी को चेक करूंगी तो सी ओ यू के बाद एन आएगा, एन तो आएगा आएगा, सी आएगा या टी, सी आएगा, तो क्या आएगा हमारा सी ए बी, तो जो आंसर होगा बच्चा वो आंसर होगा फोर्थ आंसर। देवाशीष, इतने आसान क्वेश्चन का आंसर गलत क्यों दे रहे हो, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फोर्थ, देखो कैसे, सी ओ यू सी एच, देन सी ओ यू जी एच, देन उसके बाद सी यू ओ यू एन सी आई एन और सी ओ यू एन टी, यही है ना, ठीक है, एस सी एल, देखो भी सी ओ यू के बाद क्या आएगा, सी और जी, पहले आएगा सी फिर आएगा जी, सी ओ यू जी के बाद क्या आ जाएगा हमारा एन, ठीक है भाई, एन यहाँ पे भी आ रहा है, एन हमारा यहाँ तक भी आ रहा है, लेकिन एन के बाद चेक करो ना, एन के बाद क्या आ रहा है, सी आएगा फिर एस आएगा फिर टी आएगा, तो जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, इंजीनियर राजा पटेल, वीरेंद्र बिल्कुल राइट आंसर होगा, वीरू बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा फोर्थ, देवू गोस्वामी क्यों, वो देवू गोस्वामी नहीं था सॉरी, देवाशीष क्यों आंसर दे रहे हो बी ऑप्शन,
क्यों छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, इतने आसान क्वेश्चन में डांट खाने का मन हो रहा है देवाशीष? आज बहुत दिनों बाद दिवाली के बाद आए हो, तो मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे और तुम्हें डांट मारूं, ठीक है? इतने आसान क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए देवाशीष तुम्हारे। ऑप्शन एलिमिनेट करना है, बिल्कुल नीलोफर ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पंडित जी, निधि कुमार, इंजीनियर राजा पटेल, विकास तिवारी, नीलेश यादव, फोर्ट कल्याणी साहू, गुड मॉर्निंग एंड हेलो, ठीक है? नीलेश यादव, चल दीक्षित, बी ऑप्शन काहे दे रहे हो भाई? चलिए देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करूं डीएससी में, बेस्ट रिव्यू डीओसी में, देखो एनए तक दोनों आ रहे हैं, एनए तक दोनों आ रहे हैं, तो आर और एस आ रहे हैं, पहले आर आएगा एस, पहले आएगा आर, तो आएगा कौन सा हमारा? सी ऑप्शन। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कट गया, फर्स्ट और सेकंड कट गया, तब चेक करो डी और ई को। यदि मैं डी और ई को चेक करूं तो इसका मतलब क्या, एनए के बाद क्या आएगा, एस या यू? एस आएगा, तो एस लिख दिया, सी ई एन टी, तो क्या आ गया डी, जो कि सिर्फ ए के ऑप्शन में है, वो है हमारा कौन सा, सी ऑप्शन। तो बच्चा जो आंसर आएगा विजय कुमार इंजीनियर राजा पटेल, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, निधि कुमारी आंसर आएगा थर्ड, ना कि फोर्थ आंसर राइट होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा थर्ड आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सियान मिश्रा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा दिखाओ क्वेश्चन, ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है, एक वर्ड दे रखा है, वर्ड देने के बाद आपको ये बताना है ए बी सी या डी ऑप्शन में से कौन सा हमारा वर्ड इस वर्ड से नहीं बनेगा। ऑप्शन से एलिमिनेट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, फटाफट से बताओ भाई। कैन नॉट बी फॉर्म्ड है कि आपको ऐसे वर्ड ढूंढने हैं जो नहीं बनेंगे, बताइए भाई कौन सा वर्ड इस वर्ड से नहीं बनेगा। देखा आई एम पी ए एस एस ए बी एल, बिल्कुल आ रहा है, देखो ये वर्ड लिख लेते हैं हम, आई एम पी ए एस एस आई ओ एन ए बी एल ई, ठीक है? देखो इम्पास यहां से मिल रही है, ए बल हमें लास्ट से मिल रहा है, तो पहला तो बन रहा है। इम्पॉसिबल, यदि मैं इम्पॉसिबल की बात करूं, इम्प यहां से मिल रहा है, ओ यहां से मिल रहा है, एस यहाँ पे, आई यहाँ पे, एबल यहाँ पे, ठीक है? इम्पॉसिबल भी मिल रहा है। इम्पैसिव की यदि मैं बात करूं तो आई एम पी ए एस एस, लेकिन हमारे इस पूरे वर्ड में वी नहीं है, क्या नहीं है, वी नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वीनू इंजीनियर राजा पटेल क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि इस पूरे वर्ड में हमारा क्या है, इम्पैसिव का वी नहीं है, और ये जो वर्ड है वो इस वर्ड से नहीं बनेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर आएगा रीना राजपूत, हिमांशु, शिवम, सचिन, दिनेश, बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा सी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई अब आपको पता है कि इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो फटाफट से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। अगेन आपको ये बताना है जो वर्ड नहीं बनेगा, जो वर्ड नहीं बनेगा, फटाफट से बताइए कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। देखिए इनडिटरमिनेट में हमारा क्या नहीं है, देखो डिटरमाइन बिल्कुल पूरा पूरा हमारा डिटरमाइन आ रहा है, जो हमारे ये है जो सेकंड वर्ड है आर ई टी आई एन यू ई, बेटा जो इनडिटर्मिनेट में हमारा यू वर्ड नहीं है, यू लेटर नहीं है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सुमन बिल्कुल राइट आंसर होगा बी। क्लॉक दोबारा बताना है, क्लॉक भी बता देंगे दोबारा, क्लॉक कैलेंडर आपके इतने फेवरेट टॉपिक है ना, तो आप लोग ये सोचते हो कि जब क्लॉक एंड कैलेंडर चल रहा है, जब मैम से पढ़ना नहीं है और जब खत्म हो चुका है तो मैम की क्लास में जरूर बोल रहा है मैम क्लॉक एंड कैलेंडर करा दो, कब होगा वो आपका टॉपिक क्लियर, कितनी बार हो चुका है कैलेंडर एंड क्लॉक, कितनी बार करा चुकी हूं मैं, ठीक है? तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो हमारा लेटर है यू वो इस वर्ड में नहीं है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, इसका आंसर क्या होगा। देखो इररेगुलरिटीज में हमारा रेगुलर पूरा पूरा वर्ड आ रहा है, उसमें टायर्ड
जो इरेगुलरिटीज है उसमें हमारा जो डी लेटर है वो नहीं आ रहा है, तो बच्चा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन, सूरज सुमन विकास बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिवम नीलेश सूरज राज बबीता चौधरी बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन। बबीता दोबारा से करा दे भाई, सही है भाई, दोबारा से करा देंगे, टेस्ट कराइए कल्याणी साहू, चलो टेस्ट कराते हैं, जल्दी कराएंगे टेस्ट, ऐसा करते हैं 1 नवंबर को कुछ स्पेशल करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग भी चेंज हो रहा है हमारी क्लास के, तो क्यों ना कुछ किया जाए 1 नवंबर को, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं। टायर्ड में जो डी होगा वो क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि डी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट विक्रम, विक्रम हमेशा आएगा ऐसे ही मुंह बना के आएगा, कभी हंसते हुए आना है सीखा ही नहीं विक्रम ने। पुष्पेंद्र सैनी, शिव अनूप लक्ष्मी पांडे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरिंग, देखिए जो बात करूं यदि मैं कैटरिंग की, सी ए टी ई आर आई एन जी, ठीक है, देखिए ARGE ARGE ENTIC बिल्कुल सारे के सारे वर्ड इस कैटरिंग में हमारे, क्रिएटिंग, क्रिएटिंग भी पूरा वर्ड हमारा इसी में ही है, ठीक है, RETI RETI, लेकिन दोबारा जो इस कैटरिंग में हमारा आर दोबारा नहीं आ रहा है, तो बच्चा जो इसका आंसर होगा शुभम कुमार सिंह, शिवम चौहान बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो हमारा आर और आई है वो डबल आ रहा है, जबकि कैटरिंग में जो आर और आई है वो हमारा सिंगल है, तो बच्चा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखते बता दोगे भाई, सी ऑप्शन होगा बच्चा, क्योंकि इस पूरे वर्ड में हमारा ए नहीं आ रहा है, जबकि स्टेशन में हमारा ए आ रहा है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि वर्ड में हमारा ए लेटर नहीं आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, और सबने देना स्टार्ट भी कर दिया है सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीलोफर कृष्णा मिश्रा, देबू गोस्वामी, लक्ष्मी स्वाति, स्नेहा शर्मा, क्या टाइमिंग होगा बच्चा, 1 नवंबर से जो टाइमिंग होगा वो होगा 11:45, 1 नवंबर से 11:45, ठीक है, मॉर्निंग में, ठीक है, क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यदि मैं इस वर्ड की बात करूं तो इस वर्ड में जो मुझे एंकल दिख रहा है सी ऑप्शन, उस वर्ड में हमारा क्या है, के नहीं है, तो बच्चा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल देबू गोस्वामी 15 का सी, देश और न्यू स्टूडेंट हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम कुमार सिंह, मिथिलेश शर्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सिलॉक्स की क्लास कब होगी बच्चा, सिलॉक्स की क्लास में मैं आपको कॉन्सेप्ट अनसर्टेन केस आइदर और का रूल बता चुकी हूँ, 21 अक्टूबर को जाना और वहां पे वीडियो पड़ी होगी, 1 से 1.5 घंटे के बीच की है, 2 केस रह गए हमारे, चेन रूल और पॉसिबिलिटी, चेन रूल और पॉसिबिलिटी का केस रह गया बस आपके पास, ठीक है, पहले उन्हें तो पढ़ लो, जब तो चेन रूल और पॉसिबिलिटी कराऊंगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और सीजीएल की क्लास जो होगी वो एवरी सैटरडे होगी, क्या होगी, सीजीएल की क्लास जो होगी वो एवरी सैटरडे होगी, ठीक है, कब होगी, 10 से 12, और एवरी सैटरडे को हिंदी में बोलूं, हर शनिवार को। चलिए भाई इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, देखो जनरेट, यदि मैं पहले ही ऑप्शन को ले लूं, बिल्कुल मधुब देबू गोस्वामी शिवम बिल्कुल राइट आंसर आया आप लोगों का ए ऑप्शन, यदि पहली ही ऑप्शन को ले लू तो इसमें जो वर्ड है जनरेट, जनरेट में जैसे देखो जी ई एन ई, जो जनरेट में है वर्ड में हमारे 2 बार ई आ रहा है, लेकिन जनरेट में जो हमारे जो लेटर है वो कितनी बार आ रहा है, ई लेटर, वो 3 बार आ रहा है, तो बच्चे जो इसका आंसर होगा
वो क्या होगा आर्ता? बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, डी नहीं होगा, ग्रेट पूरा पूरा बन रहा है हमारा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, इसमें आपको ये बताना है जो वर्ड बन रहा है ऑपरेशन से कौन सा हमारा वर्ड बन रहा है, फटाफट से ये बताइए ऑपरेशन से कौन सा हमारा वर्ड बन रहा है, ठीक है। अब आ गया कैन बी फॉर्म्ड वाला, तो बताइए भी कौन सा वर्ड बन रहा है। ऑपरेशन से कौन सा हमारा वर्ड बन रहा है, हैप्पी दिवाली ललित, फटाफट से आंसर बताइए। देखिए ऑपरेशन से जो वर्ड बन रहा है, देखो पहले हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे करना है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करना। देखो भाई ऑपरेशन, देखो कैन बी फॉर्म्ड है, कैप्शन, कैप्शन में हमारा आ रहा है सी, क्या इसमें सी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं बन रहा। रोटेशन, रोटेशन में आर ओ टी ए, लेकिन डबल टी आ रहा है रोटेशन में, जबकि ऑपरेशन में सिंगल टी आ रहा है। यदि मैं ऑप्शन की बात करूं ओ पी टी आई ओ एन, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस ऑपरेशन वर्ड से बन रहा है, शिवम दीपक वन मैन कुमार। तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा कृष्णा मिश्रा। और इन क्वेश्चनों को हमें बच्चा ऑप्शन एलिमिनेट करके ही कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, एग्जामिनेशन से कौन सा हमारा वर्ड बनेगा, ए बी सी या डी। एग्जामिन को मैं चेक करूं तो इसमें डबल ई आ रहे हैं, जबकि एग्जामिनेशन में सिर्फ सिंगल ई आ रहा है, तो पहला गलत। यदि मैं नेम को चेक करूं तो बच्चा बिल्कुल एग्जामिनेशन में हमारा जो नेम है वो बिल्कुल हमारा फिट हो रहा है, तो जो इसका आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा, सूरज दीपिका, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा पी बी ऑप्शन। देवाशीष क्या कमेंट किया, बहुत लंबा चौड़ा कमेंट किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। वन मैन कुमार, अभी मैंने आपका नाम लिया है और मैं गलती से अभी आपको वन मैन आर्मी समझने वाली थी, ठीक है। नाम लिया है आपका, नाम लो बच्चों के पास, नाम लेते रहो उसमें खुश रहेंगे, है ना। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना मेरे पास कि तुमने कुछ सिलेक्शन किया अपनी जिंदगी में, तो जब मैं खुश होंगी। जतिन फैन अपने पता नहीं क्या लिख रहे हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंटरनेशनल से कौन सा हमारा वर्ड बन रहा है। एनुअल, इंटरनेशनल में एनुअल यदि मैं देखूं तो यू वर्ड हमारे इंटरनेशनल में नहीं आ रहा है, तो पहला नहीं बनेगा। यदि मैं लेमिनेशन को चेक करूं तो लेमिनेशन में जो हमारा एम है वो इंटरनेशनल में नहीं आ रहा है, तो हमारा बी भी नहीं बनेगा, टर्मिनेट भी नहीं बनेगा क्योंकि एम आ रहा है। बचा कौन सा, इंटरनल बनेगा, तो इंटरनल जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल से हमारा इंटरनल वर्ड बन रहा है। अब की बार एनटीसी पार है, एनटीपीसी, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन को लगा दिया जाए टेक्निकल टीम, इंफॉर्मेशन में बताइए कि कौन सा हमारा वर्ड बनेगा, बताइए भाई इंफॉर्मेशन। देखो यदि मैं फार्मर की बात करूं तो एफ है, ए भी है, आर भी है, एम भी है, लेकिन ई नहीं है, इंफॉर्मेशन में हमारा ई नहीं है, तो बच्चा जिसमें हमारा ई नहीं है ए सी डी, ये तो तीनों गलत हो गए क्योंकि इन तीनों में ई है, जबकि इंफॉर्मेशन में ई ही नहीं है। बच्चा कौन सा, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन क्या होगा बच्चा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोशन इंजीनियर राजा पटेल, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुहास्मिता, सुहास्मिता बिल्कुल राइट आंसर होगा। नहीं देवाशीष, अब ब्लो योर माइंड की क्लास नहीं होती है, ठीक है। तो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर होगा मोशन, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 21, मल्टीप्लीकेशन का बताइए कि जो इसमें जो बनेगा वो कौन सा बनेगा। यदि मैं म्यूचुअल की बात करूं बच्चा, मल्टीप्लीकेशन में हमारे डबल यू नहीं आ रहे हैं, जबकि म्यूचुअल में हमारे डबल यू आ रहे हैं, तो जो आंसर होगा वो क्या गलत होगा हमारा, ए ऑप्शन, बिल्कुल गलत होगा। लिमिटेशन की बात करूं तो देखिए मल्टीप्लीकेशन, एम यू एल टी आई, ठीक है, पी एल आई सी ए टी आई ओ एन। यदि मैं लिमिटेशन की बात करूं, एल आई एम आई टी ए, ठीक है, देन टी, ठीक है,
देन उसके बाद क्या आ गया हमारा आई ओ एन, तो इसका मतलब क्या है, इस पूरे में मल्टीप्लीकेशन में हमारा लिमिटेशन जो वर्ड है वो बन रहा है। तो बच्चा सुमन कुमार, उमा शंकर, आरती, वीनू, सूरजराज, बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। और भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना हमारे चैनल को, जरा एक बार स्लाइड हटा दीजिए। धनपत ओम प्रकाश, देवू गोस्वामी, इंजीनियर राजा पटेल, देशराज के बैस, सागिर खान। सागिर खान इतनी लेट कैसे क्लास में भाई, 9:35 हो रहे हैं, 35 मिनट बिता दी हमने क्लास में। कल्याणी साहू आंसर देती हूँ, बिल्कुल कल्याणी आपके आंसर बिल्कुल मेरे को दिखाई भी देते हो और आप आंसर अच्छे से देते भी हो, ठीक है। चलो भाई दीपिका आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और ये बहुत ज्यादा आसान टॉपिक था। इस टॉपिक की आपको मुझे लगता है प्रैक्टिस मैंने आपको जितनी करानी चाहिए थी वो इतनी करा चुकी है, लेकिन एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना और फिर आंसर मारना, हर बड़ा जी में गलत आंसर मत दियाना, ठीक है, सोच समझ के आंसर देना। क्या करते हो जल्दी जल्दी में आंसर, ये होगा, ओ 30 मार्क खा बन जाते हो तुम, एग्जाम में वो गलती नहीं करनी है, तमीज में अच्छे से ध्यान से देख के आंसर करना है, ठीक है। राकेश कुमार जी ना, सरताज हुसैन, सरताज हुसैन तो पहली बार है अभी क्लास में, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे शाम को, पता नहीं हमारी क्लास होगी या नहीं होगी 5 बजे वाली, क्योंकि रीजन सुन लो उसका, इसलिए हो सकता है आपका सीजीएल का बैच लॉन्च हो जाए, तो सीजीएल का यदि आपका बैच लॉन्च होगा आपका यूट्यूब पे तो मुझे नहीं लगता है फिर हमारी क्लास होगी, ठीक है, फिर हमारी सैटरडे संडे सैटरडे ही चलेगी, एवरी सैटरडे, ठीक है, पता चल जाएगा, देख लेना एक बार इवनिंग में कि हमारी क्लास है या नहीं है, ठीक है। चलो वही सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।